Assalamu alaikum. This is Jeevat Kumar and I am studying at Sakhar Abbey University. So today we have Mr. Nakibullah currently studying at Sakhar Abbey University through NTHP 2019. So today we are going to have a short interview about his overall experience throughout the zero semester, that what kind of problems he faced in his semester and what strategies he applied to cope up these all problems. So Mr. Nakib, now I'm coming towards you. So my first question towards you is, mashallah, you had a 4 GPA in mathematics in your zero semester. That's really amazing. So my first question towards you is, what kind of study method you preferred? That means, आपको कौन सा method जो study वाला, मतलब आप group study को prefer करते हैं या individualism को, और क्यों करते हैं? Thank you so much, Jane, for having me. This is really a contingent question. और ये डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं उनको ग्रुप स्टडी में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, तो चीज़ें जब ग्रुप में डिस्कस होती हैं उनको ज़्यादा क्लियर होती हैं. जहाँ तक मैं समझता हूँ तो IBM में मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको दोनों करनी होगी. सबसे पहले आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी. जब आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाएं तो उसी दिन उनकी कंप्लीट प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ताकि आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक पे पूरा कमांड हो. अब जब आप खुद प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद आपको ग्रुप स्टडी के लिए ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आपको पता नहीं होता कि आपने क्या चीज़ें मिस कर दी हैं. जब आप ग्रुप स्टडी में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट लेवल के आपके क्लास फेलो होते हैं, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है, उनको एक क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव, क्वेश्चन को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो डिफरेंट होता है. तो ग्रुप स्टडी में फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं. फॉर एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चंस आपके जो क्लासमेट्स हैं वो लेके आते हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, तो फिर वो डिस्कस करते हैं डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट आइडियाज़ उस क्वेश्चन को सोल्व करने, क्योंकि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं. समटाइम्स आप ऐसा होता है कि आप एक लॉन्ग मेथड के जरिए क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि आपके जो क्लासमेट्स या बैचमेट्स होते हैं वो आपको एक ट्रिक बताते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. क्योंकि तो जो पेपर में होता है उसमें टाइमिंग कम होती है, तो क्वेश्चंस को आपने ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता एक क्वेश्चन पे. तो बेशक पहले आप सेल्फ स्टडी करें, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करें या सिर्फ ग्रुप स्टडी की मदद रहा, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है तो ग्रुप स्टडी में आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, और जो आपके साथ दूसरे लड़के हैं उनका भी टाइम वेस्ट होगा. तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि पहले आप सेल्फ स्टडी करें और उसके बाद ग्रुप स्टडी पर जाएं, इंशाल्लाह टॉपिक कम्प्लीटली क्लियर होगा. बहुत अच्छा रखी. और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो भी बुकिश क्वेश्चन वगैरह होते हैं वो तो वो ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, और वेन इट कम्स टू दी एग्जाम क्वेश्चन तो वहाँ पे दे परफॉर्म वेरी पुअर. तो उनकी कौन सी वजूहत हो सकती हैं, और अगर आपने कोई ऐसा फेस किया हो तो आपने कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई की उनको सॉल्व करने के लिए? या आई एक्चुअली फेस्ड इट, क्योंकि IB की ये स्पेशलिटी है कि वो क्लास में आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस कराते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं. आप सरप्राइज हो जाएंगे कि यार ये क्वेश्चन किस एंगल से सॉल्व होगा. तो IB में स्ट्रेट क्वेश्चन वो कभी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, वो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं. तो इसके लिए दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं. एक तो ये है कि आपके पास जो पहले पास्ट पेपर्स पड़े हुए हैं, या लड़कों के पास पास्ट पेपर्स होते हैं, सैंपल पेपर्स होते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप फर्स्ट मिड का, अगर आप फर्स्ट मिड में हैं तो फर्स्ट मिड से पहले आपको वो सैंपल पेपर या पास्ट पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको पता चलता है IB में किस टाइप के क्वेश्चन वो पेपर में पूछते हैं. और दूसरा आपने कहा कि बुकिश क्वेश्चन, हाँ लड़के सिर्फ बुकिश क्वेश्चन तक ही रहते हैं, एक बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे सॉल्व करके आते हैं. और IB में इंटरमीडिएट या मैट्रिक टाइप के एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं कि आप वो बुक में सही क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन कहीं से भी उठाएंगे, सिर्फ वो टॉपिक के रिलेटेड होगा. तो आपने क्या करना है उसके लिए, डिफरेंट मैथ्स की वेबसाइट है, जैसे एनालाइज मैथमेटिक्स वो एक वेबसाइट है, उस पर आपको ईजीली उस टॉपिक के रिलेटेड ट्रिकी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स को कवर कर रहे होते हैं. तो अगर आप वो क्वेश्चंस ग्रुप स्टडी में लेके आएँ और ग्रुप स्टडी में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह आपके जो पेपर के दौरान होगा उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं. दूसरा ये होता है टाइम का इशू आता है, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं
तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता टाइम का। लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो तो आपको 2 घंटे में 5, 6 या कभी कभी 7 क्वेश्चंस भी पेपर में आते हैं, उनको टाइमली उनको कवर करना होता है, उनको सॉल्व करना होता है। तो कोशिश किया करें जब भी आप प्रैक्टिस करें तो एज फास्ट आप जितना जल्दी कर सकते हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह पेपर में इजीली होगा। So thank you Nakeeb for your precious time for us. Thank you so much.